वो क्रॉस कर रहा है, कितना स्पीडी जो है वो जा रहा है, और इसकी रूट्स ज़रा देखें कितनी बेहतरीन जो है वो रूट्स आगे निकालता जा रहा है। उसके बाद ये स्पाइडर है, ये स्पाइडर की नी जो है वो कटिंग लगाई हुई है इस तरफ, ये सारी कटिंग जो है वो चार चार प्लांट एक में बड़े में करके लगा दिए। उसके बाद माशाल्लाह ये कटिंग लगाई हुई है हमसे ने, मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं येलो कलर के जो है वो किस पर है, तो वो तकरीबन दर्जी 5 ब्रोस्ट स्पाइसी जैसे आप लोगों के 20 प्याल का जो है वो एक ही ने कर दिया पहले था। ऑरेंज जूस और इनके जो ऑरेंज जूस है कमाल है कमाल माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला का फजल करम और एहसान के साथ मैं हूं आपके दोस्त असद ब्रोच, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज असद ब्रोच। उम्मीद करता हूं जी डेली की तरह सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मजे में होंगे। व्लॉग का करते हैं जी आगाज, मैं और भाई सुबह सुबह आए हुए हैं जी शारा सलाम पे, और यहाँ पे हम लोगों ने लेने हैं जी कुछ पौधों के सीड्स, पौधे मीन्स जो स्मॉल जो फ्लावर्स होते हैं जो हम लोग आफ्टर 6 मंथ जो है वो जॉब्स के ऊपर लगाते हैं, उनका हम लोगों ने कुछ सीड लेना है, और साथ में जो है वो लेनी है जी कंपोस्ट उसके अंदर लगाने के लिए। जब सीड जो है वो लग जाएगा रेडी होने के लिए तो हम लोग जो है फिर उसको आगे करेंगे जी ट्रांसफ़र। अभी भाई साहब जो हैं वो ये जो शॉप्स हैं शारा सलाम के ऊपर, ये सारी जो है ये गार्डन की शॉप्स हैं, यहाँ पे जो है वो ढूंढ रहे हैं इनको बीज को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बीज जो है वो ईजिली नहीं मिलता। बाकी आप लोगों को चेक करवाते हैं, पीछे हम लोगों ने कल जो थे वो 2 लिए थे। दोस्तों हम लोग आ गए हैं जी मशतल के अंदर, और जो भाई ने वहाँ से लेने थे हम लोगों ने क्या नाम है पैरालाइट लेनी थी, और साथ में जो थे वो सीड लेने थे पौधों के फ्लावर्स के, वो तो अभी मिले नहीं बिकॉज शॉप जो थी वो बंद थी। शॉप ने खुलना था तकरीबन 9:30 के राउंड अबाउट खुलना था। हम लोग अभी आ गए मशतल, मशतल का जो सीन है वो आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले ये छोटे जो हम लोगों ने कटिंग लगाई थी माशाल्लाह काफ़ी जो है वो वेल्दी हेल्दी है। अभी मैं आपको थोड़ा यहाँ से चा के दिखाता हूँ उठा के, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हर के अंदर जो है वो 3-3, 4-4 हम लोगों ने पत्ते लगवाए थे, तो अभी उसकी जो है ग्रोथ आप ज़रा देखें कितनी माशाल्लाह बेहतरीन ग्रोथ जो है वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है ये मूना लगा हुआ है, ये ज़रा देखें इसकी जो है कटिंग हो गई है, ये जो ऊपर पड़े हैं मदर प्लांट है ये सारे, इसकी जो है ये अभी कटिंग होनी है। ये ज़रा देखें माशाल्लाह कितनी जो है वो ग्रोथ कर रहा है, कितना स्पीडी जो है वो जा रहा है, और इसकी रूट्स ज़रा देखें कितनी बेहतरीन जो है वो रूट्स आगे निकालता जा रहा है। अभी ये जो सारा पड़ा है इसकी कटिंग हो जाएगी, ये सारे की ये सारा ये देखें कितना ज़मीन के अंदर तक वो चला गया, इस सारे की जो है अभी कटिंग होने वाली है। इस साइड में जो पड़ा है मूना इतना जो है, ये वाला पीछे वाला थोड़ा और ये वाला एरिया जो इसकी कटिंग बाकी है, बाकी इस सारे की कटिंग जो है वो हो गई है, कटिंग करके आगे जो है वो लगा दी है। ये ज़रा देखें माशाल्लाह काफ़ी जो है वो बेहतरीन ग्रोथ कर रहा है। पंखे जो है वो सुबह चलते रहते हैं ठंडक पैदा करने के लिए, और शाम को जो है वो बंद हो जाते हैं। अभी चलता हूँ दूसरे शेड में, उसकी क्या अपडेट है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इस तरफ जो है वो छोटे सवार पड़े हैं, ये डिफरेंट इनकी टाइप्स हैं, ये भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी जो है वो ग्रोथ कर रहे हैं। दूसरे शेड में चलते हैं और उसका जाके आप लोगों को दिखाते हैं कि वहाँ का क्या सीन है। व्यूअर्स मट्टी ख़त्म हो गई थी तो मट्टी जो है वो आज हम लोगों ने मंगवा ली है, सिक्सर जो है वो आया है, मट्टी का तकरीबन 450 रियाल में आता है ये। अभी दूसरे शेड में पहुँच गए, दूसरे शेड की अपडेट आपको देते हैं ये। तो दोस्तों दूसरे शेड में पहुँच गए हूँ, ये एक्चुअली जो है ये खारजी है, आउट साइड जो प्लांट्स लगते हैं ये उसका शेड है। अभी जो है क्योंकि इनकी कटिंग्स वगैरह लगाई हुई थी और आउटसाइड हम लोगों ने अभी शबक नहीं डाली, ग्रीन नेट नहीं डाला, तो इसलिए इनको जो है पूरे शेड के अंदर अभी रखा हुआ है। तो अभी कुछ दिनों में जो है वो आउटडोर जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा, ग्रीन जो नेट है वो रेडी हो जाएगा, तो ये जो सारे प्लांट्स पड़े हैं तकरीबन सारे प्लांट्स तो ये जो है वो बाहर शिफ्ट कर देंगे ओपन एरिया में ग्रीन नेट के नीचे। इसको हम लोग पाकिस्तानी वो बोलते हैं गुल दोपहरी बोलते हैं, और माशाल्लाह फ्लावर्स इसका ज़रा देखें ज़बरदस्त, बहुत ही औसम लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये लगे हुए हैं जी पौधे बड़े क्या उसको बोलते हैं जी, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इसको बोलते हैं जी ओलिव बोलते हैं। ये वाले ये पौधे लगे हैं, कुछ बाहर भी जो है वो पड़े हैं जिसको जैतून बोलते हैं। इस तरह भी ये सवार हैं, इसकी वीडियो मैंने डाली थी जब इसको हम लोग लगा रहे थे दोबारा काट के। उसके बाद ये है जी यास्मीन हिंदी, ये हम लोगों ने कटिंग करके लगाई थी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह जो है आप ग्रोथ जो है वो आप लोगों के सामने कि कितनी माशाल्लाह वो क्विकली ग्रोथ कर रहे हैं। इस तरफ भी गुल दोपहरी है, ये कटिंग लगी हुई है, इसी की कटिंग लेके हम लोगों ने ये आगे लगाई। ये ज़रा देखिए ये भी मदर प्लांट है। उसके बाद ये सवार पड़े, ये भी डेजर्ट जो है वो सवार की टाइप में आता है ये भी। उसके बाद ये रहा जी वीटिक्स, ये भी स्नैक प्लांट जो है। उसके बाद ये वंस अगेन
यास्मीन हिंदी, ये भी कटिंग लगाई हुई है हम लोगों ने। ये आप देखें माशाल्लाह काफ़ी जो है इसमें से जर्मिनेशन वो कर रही है। ये देख, ये देख, ये देख, ये सारी जो है वो नए पत्ते जो हैं वो निकाल रहे हैं। इस तरफ जो है वो कन्ना पड़ा है, ये देखें इसका भी अभी जो है वो आगे लगने वाले हैं। अभी आप चेक करें कि इसमें कितने पड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें पड़े हैं। तो अभी इसको लेंगे निकाल, ठीक है जी, जब इसका टाइम आएगा इसको अभी निकाल लेंगे कुछ दिनों में, फिर जो है एक एक करके लगाते जाएंगे, तो उनमें से फिर आगे ये बढ़ते जाएंगे। इस तरफ ये ग्राउंड कवर है, वधीलिया इसको बोलते हैं, ये भी कटिंग हम लोगों ने लगाई हुई है। इस तरफ फिर अगेन यास्मीन हिंदी, यास्मीन हिंदी जो है उसकी कटिंग हमारे पास बहुत है कटिंग। हम लोग जो है जॉब्स वगैरह से भी जो कटिंग मिलती है तो वो यहाँ पे लगा देते हैं। ये देखें ये सारी यास्मीन हिंदी लगी हुई है, इसके बाद ये भी यास्मीन हिंदी लगी हुई है सारी माशाल्लाह। इधर तो फ्लावर भी आया हुआ है, ये ज़रा देखें इसका फ्लावर आता है वाइट कलर का, ये देखें माशाल्लाह। इस तरफ जो है वीटिक्स की कटिंग लगी हुई है, अगेन वधीलिया की कटिंग है, और माशाल्लाह ये कटिंग जो है ये चल गई है। कटिंग जब चल जाती है तो आप लोगों को भी पता चलता है, ये देखें पौधा जो है वो सर इस तरह उठा लेगा और माशाल्लाह उसकी ग्रोथ जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। ये ज़रा देखें ये भी चल गया पौधा, इसकी रूट्स जो है वो पकड़नी स्टार्ट हो गई। इस तरफ जो है ये फाइकस है, ये आउटडोर प्लांट है, ये बाहर पड़ा था जल गया था, तो अभी दोबारा जो है इसको अंदर शिफ्ट किया है ठंडा की वजह से जो है ग्रोथ। आप इसकी ज़रा चेक करें कितनी नई कलियाँ, अगेन वीटेक्स है, अगेन रोही ब्लू के समथिंग इसका नाम है जी। इस तरफ फिर क्या बोलते हैं उसको जी, गुलदुपैरी अतरा पड़ा है, अगेन वीटेक्स की कटिंग है। इधर जो है इप्रोमिया की कटिंग पड़ी है। अभी चलते हैं जी थर्ड शेड में और वहाँ की क्या अपडेट है वो आप लोगों को दिखाते हैं। बस ये कल जो है हम लोगों ने दो रोल लिए थे पाइप्स के, क्योंकि पाइप्स जो है वो ऑलरेडी अंदर लगा हुआ है, लेकिन वो 1 इंची का पाइप है, तो 1 इंची से जो है पानी एक तो ज़्यादा जाता है, पौधे जो थे वो ख़राब हो रहे थे, पानी ज़ाया भी हो रहा था। अभी ये लेके आए 3-4 के दो रोल, और दो रोल जो हैं वो दो शेड्स के अंदर लगा देने हैं। बाकी चलते हैं तीसरे शेड में, वो आपको देते हैं। व्यूअर्स तीसरे शेड में मैं आ गया हूँ। इस तरफ भी ये छोटे बच्चे थे, अभी इनको मदर प्लांट हम लोग बना रहे हैं। माशाल्लाह आप ज़रा देखें कितनी जो है वो वेल ग्रोथ ये कर रहे हैं। इस तरफ जो आप लोगों को दिखाया ये क्या इसको प्रोमिया टाइप बोलते हैं, ये इसकी कटिंग लगाई थी, अभी मदर प्लांट की शेप में ये आ रहा है, इस तरह काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। इस तरफ पड़ा है जी माइक्रो शेफलेरा, ये शेफलेरा शुरू में ख़राब हो गया था, अभी देखें ये न्यू ब्रांचेस इसकी निकाल, ये भी माइक्रो पड़ा है, माइक्रो पड़ा है, ये भी सारा माइक्रो है। उसके बाद ये स्पाइडर है, ये स्पाइडर की नी जो है वो कटिंग लगाई हुई है। इस तरफ ये सारी कटिंग जो है वो 4-4 प्लांट एक में बड़े में करके लगा दिए। उसके बाद माशाल्लाह ये कटिंग लगाई हुई है हम लोगों ने जी स्किनडेप्सिस मूना जिसको बोलते हैं, आप ज़रा चेक करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन कटिंग जो है इसकी हुई है, अच्छी ग्रोथ की है। ये एक बेड बना हुआ है, ये बेड बना हुआ है, दो बेड वो बने हुए। अभी जो है अगर हम लोगों ने इसको करना है सेल तो ये सेल के लिए रेडी है तकरीबन, और अगर हम लोगों ने इसको जो है वो आगे लगाना है मदर प्लांट बनाना है तो उसके लिए भी ये रेडी है। ये जो 4 शेड हैं ये तकरीबन रेडी हैं फार सेल या फार जो भी है आगे मदर प्लांट बनाते हैं ये भी डिसाइड करेंगे। इस तरफ पड़ा है जी रबर प्लांट रबुस्टा, और ये भी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी कर रहा है दिन ब दिन, पानी जो है वो चल रहा है। अभी चलते हैं जी 4th शेड में, उसकी जो अपडेट है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सेटअप जो है वो नज़र आ रहा है आप लोगों को जी। तो भाई लोगों चौथा शेड जो है उसमें मैं अभी आ गया हूँ, यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं कि सवार वगैरह जो रखे हुए थे उनकी क्या सूरत हाल है। स्पाइडर पड़ा इस तरफ, ये भी स्पाइडर के जो है कटिंग लगी हुई। इस तरफ जो है आउटडोर ग्राउंड कवर जो है वधीलिया वो पड़ा है। इसके बाद ये पड़ी हैं जी सारी कुआर बोलते हैं और दूसरे एलोवेरा, ये कंप्लीट जो है एलोवेरा पड़ा है। इस तरफ भी जो है ये अमेरिकन स्नेक प्लांट पड़ा है, अमेरिकन सबार, उस तरफ भी सबार पड़े हैं। उसके बाद ये भी मिक्स सबार पड़े हैं। ये जो है ये नई कटिंग लगी हुई है जी मूना की, ये भी नई कटिंग लगी हुई है मूना की। इसको हम लोगों ने इसलिए लगा के रखा है क्योंकि इसको हीट चाहिए, 10 से 15 दिन जो है 20 दिन इसको हीट चाहिए, हीट के अंदर जो है ये होता है।
अभी ये पूरा लगा के, कटिंग लगा के, एक छोटी फिली जो है उसके अंदर लगा के ऊपर से जो है इसको कर दिया गया है कवर, और तकरीबन 10 से 15 दिन जो है ये एज इट रहेगा। जस्ट पानी के लिए इसको थोड़ा सा खोलेंगे, पानी लगाएंगे और उसके बाद कवर अप रहेगा। कवर अप रहने में जो है इसकी रूट्स जल्दी आ जाएंगी। इस तरफ ये मूना हम लोगों ने लिया था, परचेज़ किया था, अभी इसको मदर प्लांट बना लेते हैं। जब ये बड़ा हो जाता है इस तरह, अभी कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह जब ये बड़ा हो जाएगा तो काट लेंगे इसको, और ये जिस तरह ये हो रहा है इसको काटते जाएंगे, ये पड़ा रहेगा। और सेम जो अभी ये लगाया मैंने, ये बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, ये इस तरह लगाते जाएंगे। इस तरफ शपलेरा पड़ा है और ये आगे रबर प्लांट पड़ा है, ये बीमार हो गया था तो अभी जो है कुछ ऐसा ऐसा रिकवर हो रहा है। इस तरफ हम लोगों ने यूकिया जो है, ये यूके लिए थे हम लोगों ने, तो मदर प्लांट दोबारा हम लोगों ने पीट माउस के अंदर मिक्स करके लगा दिए, और इसके जो बेबीज़ थे वो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो शिफ्ट कर दिए। इस तरफ भी शफलेरा पड़ा है, ये डबल कलर में है। इस तरफ जो है ये भी आउटडोर इनडोर दोनों के लिए यूज़ होता है ये पौधा, और ये पौधा जो है ये भी इनडोर है। ये पौधा जो है ये हैंगिंग के लिए होता है, ये देखें अभी इसके जो है हम लोगों ने, ये एक पॉट था, इस पॉट के अंदर था ये, ठीक है, और इसको हम लोगों ने निकाल के एक पौधे से जो है वो हम लोगों ने तकरीबन 10-12 पौधे जो हैं इस तरह अलग अलग कर लिए हैं। ये देखें अभी एक एक पौधा जो है ये सेपरेट सेपरेट पॉट में लगता जाएगा। इस तरफ जो है ये क्रोटोन पड़ा है, ये भी चेंज कर दिया थोड़ा, वो पड़ा अभी चेंज होने वाला है ये, बाकी जो है ये सीन सारा आप ज़रा देखें। और पॉसिबल है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका जो है सेटअप अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेटअप आपको अच्छा लगा है, काम जो है आपको अच्छा लगा है, तो आप लोगों ने वीडियो को एक जो है लाइक, एक कमेंट करना है, और एक जो है सब्सक्राइब, या फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो का जो ऑप्शन है उसको लाजमी दबाना है, ताकि जितनी भी वीडियोज़ हैं वो मेरी आप तक बरवक्त पहुँचती रहें। शेयर आपने लाजमी करना है वीडियो को। और अभी सामान जो है नसरुल्ला लेने गया हुआ है, सामान लेके आता है, तो आज का जो है काम वो क्या होता है वो आप लोगों को दिखाएंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स, मशतल से काम कुछ ख़त्म करके ना मैं अभी गया हुआ था पीट माउस लेने। मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं येलो कलर के जो हैं वो कीस पड़े, तो वो तकरीबन 10 कीस जो है पीट माउस के वो ले हैं। पैरालाइज तो हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी स्टॉक में पड़ी है, अभी ये लेके जाते हैं, इसको करेंगे जी मिक्स, और इसका जो है पीट माउस कंपोस्ट वगैरह जो है पैरालाइट मिक्स करके, तो कटिंग लगानी है आई थिंक मनी प्लांट जो है उसी की कटिंग लगानी है। बाकी साहब भाई उधर ही बैठे हैं, बाकी चल के आप लोगों को दिखाते क्या। और एक चीज़ और है, वो मज़े की चीज़ क्या है जी, आप लोगों को देना है एक सरप्राइज़ है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पॉसिबल है इसी व्लॉग में आज ही जो है वो हम लोग जाएंगे और आप लोगों को वो सरप्राइज़ देंगे, पूरी फैमिली को भी सरप्राइज़ देना है, और यह पॉसिबल है कल की वीडियो में। मतलब ये जो दोनों वीडियोस हैं ये दोनों बहुत ही ज़बरदस्त और अहम वीडियो होने वाले हैं, आप दोनों ने ये वीडियो देखनी है। और अगर इसमें नहीं है होगा सरप्राइज, तो नेक्स्ट जो व्लॉग हो वो आप लोगों ने लाजमी देखना है, तो आप लोगों को दिखाएंगे कि फैमिली को भी किस तरह सरप्राइज़ देते हैं, और उनके जो रिएक्शंस होते हैं वो आप लोगों को दिखाएंगे कि वो किस तरह जो है इस चीज़ को लाइक करते हैं। बाकी अभी मैं पहुँचने लगा हूँ मशतल में, और मशतल में क्या सीन अभी चल रहा है वो आप लोगों को चल के दिखाते हैं जी। कुछ पौधे जो है हम लोग अभी सेल के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं कि उनको ना सेल करते हैं, तो वो भी आप लोगों को अभी जाके दिखाता हूँ कि कौन से पौधे हैं जो हम लोग जो है सेल के लिए लगा रहे हैं जी। तो व्यूअर्स, अभी जो है हम लोग आ गए हैं जी अलबशायर पे, काम अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल हो गया। बिजी इतने थे कि वीडियो बनाने का जो है वो टाइम भी नहीं मिला। यहाँ आपको आप अलबशायर का सीन दिखाते हैं, ये जूस कॉर्नर है, यहाँ पे जो है वो होते हैं जी क्या बोलते हैं उनको, पिज़्ज़ा वगैरह, और ये है जी ब्रोस्टेड एरिया। अभी हम लोगों ने ऑर्डर किए हैं जी 5 ब्रोस्ट स्पाइसी, लेट्स सी आप लोगों के साथ। 23 का जो है वो एक ही उन्होंने कर दिया, पहले था 18 का, अभी जो है 23 का कर दिया। आप लोगों को फतूरा जो है वो मैं चेक करवाता हूँ, लेट्स सी दिस वन, ये है ऑर्डर नंबर है 462, और कितने के आए हैं जी 5 ब्रोस्ट जो है स्पाइसी 100 रियाल के आए हैं। माशाल्लाह इनका टेस्ट जो है आउट क्लास होता है। कस्टमर ज़रा चेक करें काउंटर, इधर जो है वो शॉर्मे वगैरह लगे होते हैं, बहुत ही आउट क्लास सीन है। अभी हम लोग जो है अपने ऑर्डर नंबर जो है वो इनको प्लेस करते हैं, और तकरीबन 10 मिनट जो है वो लग जाएंगे हमारे ऑर्डर को करते। अभी जो है हमारे जो ब्रोस्ट हैं उनको लेट है जी 5 मिनट तकरीबन ही, तो इतने में प्यास लगी हुई थी। 2 जो हैं ऑर्डर किया हम लोगों ने मिक्स ऑरेंज जूस, और इनके जो ऑरेंज जूस है कमाल माशाल्लाह। अभी ऑर्डर प्लेस करते हैं और विद इन 1 मिनट जो है मे बी इससे भी कम जो है वो मिल जाएगा, तो जब तक ब्रोस्ट बनते हैं उस टाइम पे जो है हम लोग इंजॉय करेंगे जूस अच्छा सा।
फिर आप लोगों को मैं फ्रूट्स वगैरह दिखाता हूँ, ये ज़रा चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूट है, फ्रेश जो है वो इनके पास जूसेस बिल्कुल एकदम जो है वो फ्रेश जूसेस होते हैं।